हरियाणा विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता कौन होगा, इसका फैसला कांग्रेस हाईकमान करेगा। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में विधायकों ने नेता प्रतिपक्ष चुनने के लिए हाईकमान को अधिकृत कर दिया था, लेकिन करीब 10 दिन बाद भी हाईकमान अब तक सीएलपी लीडर पर फैसला नहीं कर पाया है, इसलिए अभी तक हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी खाली है। यहाँ पर कुछ गलत परंपराएं भी होती रही है, उनकी तरफ आपने ध्यान नहीं दिया। जैसे 2009 से 2014 तक जब मैं विधायक था और हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, वो तो अब आया नहीं, उसकी क्या बात करें, जो हाउस में ना हो उसका नाम नहीं ले सकते। मुझे सबसे ज्यादा बार हाउस से निकालने का मेरा रिकॉर्ड बना हुआ है। मेरा सारा सारा भाषण जो मैं देता था वो डिलीट कर दिया जाता था। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अगर ये आपके चुनाव को विवादी बनाना चाहते हैं तो हम वॉकआउट कर जाते हैं, ये कोई तरीका है इनका? आज का हम आपकी बात कर रहे हैं, विषय सीमित रहे, कोई विषय पे चर्चा पत्र पढ़ रहा है, कोई पीछे की बात कर रहा है। हुड्डा साहब, आपने अगर अध्यक्ष महोदय हो जाएंगे तो इनका क्या व्यवहार रहा स्पीकर के साथ, वो पुराने स्पीकर बता देंगे। ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए किसी को जो इन्होंने किया, ये आप छोड़ दो इस बात को, मैं विवादित नहीं करना चाहता हूँ, ये बात नहीं है, विषय पर सीमित रहे। जस्ट लिसन टू मी, निवेदन, मैं आई हैव नॉट इनिशिएटेड, आई एम आंसरिंग, आपने समय दिया, आई एम आंसरिंग व्हिच यू हैव मेंशन, उसके मैं खड़ा हुआ हूँ, आई एम मेंशनिंग व्हिच यू हैव मेंशन इन योर स्पीच, मैं उसको मेंशन कर रहा हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि प्रजातंत्र में, अध्यक्ष महोदय, प्रजातंत्र में कोई भी व्यक्ति बड़ा नहीं होता, प्रजातंत्र में जनता बड़ी होती है और जनता के फैसले को स्वीकार कर लेना चाहिए। धन्यवाद। भले ही कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष अब तक नहीं चुन पाई हो, लेकिन विधानसभा के शपथ सत्र में सीएम नायब सैनी ने हुड्डा को अनऑफिशियली नेता प्रतिपक्ष बना ही दिया। सीएम ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ ठीक वैसा ही व्यवहार किया जैसे भूपेंद्र हुड्डा ही नेता प्रतिपक्ष हों। जब हरविंदर कल्याण को सर्वसम्मति से स्पीकर चुन लिया गया, तब हरविंदर कल्याण को सीएम नायब सैनी आसन की ओर ले गए। सामान्यतः सीएम और नेता प्रतिपक्ष स्पीकर को आसन तक पहुंचाते हैं, इसलिए सीएम स्पीकर को आसन तक पहुंचाने के बाद भूपेंद्र हुड्डा की सीट पर पहुंचे और उनको आसन तक ले गए। भूपेंद्र हुड्डा भी नेता प्रतिपक्ष के तेवर में दिखे। जब अनिल विज से बहस हो गई तब उन्होंने सीधे चेतावनी दे दी कि मैं कांग्रेस के विधायकों को लेकर सदन से बाहर चला जाऊंगा। जब हरियाणा विधानसभा का सत्र समाप्त हो गया उसके बाद भी सीएम नायब सैनी हुड्डा का हाथ पकड़कर एक साथ ही सदन से बाहर गए। इस दिलचस्प कहानी में सबसे बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस ने ऐसी नौबत आने ही क्यों दी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहे इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।